तमाम खर्चा तो अपनी बारगाह राय कबूल फरमा या अल्लाह इन लोगों का आना कबूल फरमा या अल्लाह इन दाना कबूल फरमा इन दाना कबूल फरमा या अल्लाह किसे कोई बीमार है रब आलमी इन्हों की किसे रंग की परेशानियां कारवाई या कुछ भी है मेरे मौला तू जान हार कबूल यहाँ पे मैं कहूँगा कि पूरी रियासत से और बल्कि कुछ उससे बाहर भी लोग जो हैं वो यहाँ पे तशरीफ हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने जो है वो हाज़िरी जो है वो दी है और रियासत के यूटी के कोने कोने से जो लोग हैं और ख़ासकर मैं कहूँगा कि रजौरी पुंछ के कोने से जो है लोग यहाँ हाज़िरी देते हैं और यहाँ से फैज़याब होते हैं। तो हज़रत नांगाबाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है उनके उस शरीफ जो है उस पर लोगों ने हाज़िरी दी और यहाँ पर जो सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब जो गद्दी नशीन है उन्होंने आज दुआ किया सबसे पहले आपसी भाईचारे की और यहाँ मुल्क में हमारे अमन शांति जो है वो रहे आपसी भाईचारा जो है वो हमारा जो है वो मजबूत रहे। तमाम खर्चा तो अपनी बारगाह राय कबूल फरमा या अल्लाह इन लोगों का आना कबूल फरमा या अल्लाह इन दाना कबूल फरमा इन दाना कबूल फरमा या अल्लाह किसे कोई बीमार है रब्बुल आलमीन इन्हों की किसी रंग की परेशानियां कारवाई या कुछ भी है मेरे मौला तू जान हार कबूल तमाम खर्चा तो अपनी बारगाह राय कबूल फरमा या अल्लाह इन लोगों का आना कबूल फरमा या अल्लाह इन दाना कबूल फरमा इन दाना कबूल फरमा या अल्लाह किसे कोई बीमार है रब्बुल आलमीन इन्हों की किसी रंग की परेशानियां कारवाई या कुछ भी है मेरे मौला तू जान हार कबूल तमाम खर्चा तो अपनी बारगाह राय कबूल फरमा या अल्लाह इन लोगों का आना कबूल फरमा या अल्लाह इन दाना कबूल फरमा इन दाना कबूल फरमा या अल्लाह किसे कोई बीमार है रब्बुल आलमीन इन्हों की किसी रंग की परेशानियां कारवाई या कुछ भी है मेरे मौला तू जान हार कबूल।